आप लोगों की मुबारकबादी का शुक्रिया। अभी कुछ खाओ पियो। तुम भी क्या कहोगे कि ठाकुर नरेंद्र सिंह के वहाँ बच्चा पैदा हुआ? और वो भी बुढ़ापे में ठाकुर बाप का सहारा बनने के लिए। क्यों, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अरे भाई लाला, ईश्वर करे कि तुम्हारे वहाँ अभी थोड़े दिनों में एक बच्चा पैदा हो। अच्छा, लेकिन वो लड़की। अच्छा तुम्हें भी ठाकुर साहब मुबारक हो तुम्हें बेटा, कि वो शोहरत के काबिल हो। तुम्हारे वास्ते हो रास्ते जहाँ कुवते दिल हो। सुनिए साहब, अगर ये तूफान की कश्ती हो तो वो दरिया का साहिल हो। अब हो जाए एक बार भाई, और रात भर रहियो। सरकार, क्या मालिकन की हालत बहुत खराब हो रही है घर के लिए, जल्दी चलिए। खराब जी, देखो इसमें तुम्हें सोते हो, कलेजे से लगा कर रखना, ये मेरी निशानी है। राधा, राधा। अरे तुम रो रहे हो, नादान मत बनो। देखो इसे कभी किसी बात की तकलीफ ना हो, नहीं तो मेरी आत्मा को दुख पहुंचेगा। दादा, मैं तुमको नहीं छोड़ता, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा राधा। मेरे जबड़ों को बफलाओ, जाओ। ये जेवर मेरी तरफ से इसकी बहू को देना। राधा, मेरे पास आओ। और पास तुम कहाँ हो? मैं तो यहीं तुम्हारे पास। अंधेरा, रोशनी जला। राधा, रोशनी। राधा, 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 राधा। अरे मेले मनु बहादल, अरे मेले मनु बहादल है, मेरे मनु, मेरे मनु, मेरे, अरे भाई, अरे भाई, अरे मेरी ऐनक को तो तू तोड़। अच्छा हो गया बस। अरे मेरे मनु बहादुर है, मेरे मनु। लो बेटा, पापा मिले। हाँ पापा, शाबाश शाबाश। अरे वारे मेरे देखे। लो शाबाश, बड़ी सुंदर बच्ची। क्यों लाला, मैंने एक रोज तुमसे कहा था कि ईश्वर तुमको लड़की दे। याद है ठाकुर, और मैंने ठाकुर से कहा था कि अगर मेरे घर लड़की हुई तो मैं तुम्हारे बेटे को दूंगा। तो दी ठाकुर, दी। क्यों राजे, पसंद है ना बेटा? हाँ, अच्छी है ना। राजे को मुन्नी पसंद आ गई। अरे खरगोश भी साथी है तुम्हारा। मेरा बेटा भी बहुत ही शिकारी निकलेगा मेरा बेटा। अरे चाय का बर्फ का पानी। क्या ठंडी हो गई? मैं अभी और मंगवा देता हूँ। अरे बंसी, आज मैं बंसी को बहुत मारूंगा। ठंडी चाय लिया था। मैंने क्या बेटा, जान हाथ हो, पांच मिनट में तो नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। जाओ जा। आ गए बेटे। देखो राजा, ये तुम्हारी किताबें सब देखने लगनी है बेटा। लो
आओ नाश्ता करो। लो। क्या हुआ? मैंने खा था। देखो तो सही बेटे, देखो बंसी ने कैसी अच्छी अच्छी चीजें बनाई। बस क्या जो दिया मैंने खाता। क्यों? आप मेरी बात मानते हैं जो मैं आपकी बात मानू? पर कोई बात मालूम भी तो हो। मैं कितने दिनों से चिल्ला रहा हूँ, आप मेरे लिए साइकिल, घड़ी, बंदूक कुछ भी नहीं लाए। अच्छा भाई, आज मैं वायदा करता हूँ कि तुम्हारी सब चीजें शाम तक ले आऊंगा। अगर न लाऊं तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। बस मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, हर किसी नहीं खाऊंगा। अरे सुन तो सही। ए राजे, राजे बेटे, आज साइकिल के लिए नाश्ता छोड़ा है, बड़े होंगे तो हवाई जहाज के लिए अनशन करेंगे। सर, तुम्हारा इकलौता बेटा है ईश्वर से उम्र में। लो ठाकुर। लाला, मैं तुम्हारा एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। हिसाब रखना, वक्त आने पर सब चुका दूंगा। फिर वही बात ठाकुर, दुकानदार हूँ पर इसके माने ये नहीं कि मेरे खून में बनियापन आ गया। मैं भी तुम्हारी तरह राजपूत हूँ ठाकुर, राजपूत। ठीक है लाला, मगर लेन देन ऐसी तैसी तुम्हारी लेन देन। ठाकुर, बुजुर्गों ने कहा है कि बच्चे को खिलाओ सोने का निवाला, मगर उसे देखो शेर की नजर। आगे तुम खुद समझदार हो। ठीक कहते हैं लाला। अच्छा नमस्ते। नमस्ते ठाकुर। चलो नहीं, नहीं शो करो। तीन इक्के दिखाओ।
बदमाश बेईमान इतना जीतता उल्लू का माछी। अबे गाली दी तो ऐसा हाथ मारूंगा छह फीट जमीन में घुस जाएगा। रुपए दे दे नहीं तो तेरी जान ले लूंगा। चल हट। अरे क्या करता है? और तो कोई बात नहीं मास्टर जी, परेशानी इस बात की है कि शायद वो मेरा पिस्तौल लेके आया। जी हाँ, बच्चा है ना, शायद कुछ कुछ घबराने की बात नहीं है। आइए मैं तलाश करता हूँ। मुन्नी जी, चाचा जी। आ बेटा, अरे राजे को कहीं देखा है? राजे हाँ। क्लास में होगा? नहीं है बेटा, क्लास में अभी तेरा फैसला कर देता हूँ। गोली चला दूंगा। हमें नकली पिस्तौल से डराता है? अरे जाजा मुझे डराता है? राजे, चाचा जी। राजे राजे बेटा, राजे क्या हुआ बेटा? मार डाला सरकार, इन्होंने गोली मार दी हजूर। खून कर दिया सरकार। झूठ, ये सब झूठ है बाबू जी। इस गुंडे ने मेरी साइकिल छीन ली, मेरे रुपए छीन ले और मुझे मारा भी। मारा किसने? किसने चाचा जी? हराम जादे, तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे बेटे को मारो? नहीं सरकार, असली बात यह है कि असील के बच्चे मारे बेटों के पीठ की खाली भर दूंगा। हाँ मजदूर, गिरफ्तार कर लो इन लोगों को। बहुत अच्छा सरकार, कुछ हमारी रस्मी तो समझे। दो दो मजदूर भेजूं तुझे भी कहना। सरकार हुजूर, जहाँ आपने इतनी मेहरबानी की है वहाँ इतनी और कीजिए कि मेरा तबादला किसी बड़े शहर में कर दीजिए। क्यों? क्योंकि छोटे शहर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम अच्छा नहीं होता है। आप जिस बच्चे का इतना ख्याल करते हैं, अगर उसकी जगह कोई और लड़का होता तो उसे इस गलती के लिए कम अज कम 2 साल की कैद होती। खैर, अगर आप चाहते हैं कि आपका लड़का किसी काबिल बन जाए तो उसे कहीं बोर्डिंग हाउस में भेज दीजिए। बोर्डिंग? हाँ बोर्डिंग हाउस। हुजूर, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चे को अपने सेलर नहीं कर सकता। कुछ भी कीजिए हुजूर, तबादले का ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता। हुजूर, ऑर्डर इज ऑर्डर। ठाकुर साहब, अच्छा लाला भैया घर का ख्याल रखना गया। बिल्कुल बेफिक्र रहो ठाकुर, वैसे पहुंचते ही खत भेजना। जरूर। अच्छा भाभी नमस्ते। आपकी पेंशन हो गई ठाकुर साहब? जी आप तो सीतापुरी में रहेंगे ना? जी यकीनन। वहाँ मेरा असिस्टेंट सोहन जी, मेरा दोस्त लाला जी, मेरा लंगोटिया यार गौ और सबसे बढ़ के अपना वतन शर्मा साहब। 12 बरस हो गए अपने वतन को छोड़े। जी हाँ। कब जाएंगे? जी 2-4 दिन। और हाँ, आजकल आपके साहबजादे कहाँ? जी वो लखनऊ में है, बहुत दिन से नहीं मिला है। सुना है बहुत बड़ा बिजनेस करता है। बचपन में बहुत शैतान था जी, बचपन में बहुत शैतान था। ये आपने सवाल अजीब किया है साहब। आप अपने बचपने का तो ख्याल कीजिए। बचपन में तो सब लड़के शरीर होते ही हैं। कभी यहाँ नहीं आए? नहीं साहब, बहुत जमाना हुआ इसका खत आया था। उसने एक शेर लिखा था, सुनिएगा। ऐसा उसने लिखा था कि लखनऊ मुझ पर फिदा है, मैं फिदाए लखनऊ। लखनऊ मुझ पर फिदा है, मैं फिदाए लखनऊ। और क्या है ताकत आसमां की, क्या है ताकत आसमां की जो छुड़ाए लखनऊ। वाह 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 वाह। Hello.
डबल 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 ग्रीन ब्लू ब्लू डबल ब्लू डबल ग्रीन ग्रीन डबल ग्रीन ब्लू क्यों चले कहाँ? बस खेल चुका। और ये हिसाब हो जाएगा? वो कब जाएगा प्यारे मियाँ? मैं तो अभी रुपए लूंगा। अब भी जवान बड़ा आया है वसूल करने वाला। प्यारे लाल क्या बदतमीजी जी, आप ही देखिए ना, रोज जब खुद जीतते हैं तो गर्दन पकड़ के पाई पाई वसूल कर लेते हैं, और आज जब मैं जीता तो झगड़ा करने लगे। बकवास बंद करो। कितने रुपए आपके? सिर्फ 600 जनाब, दिलवा दीजिए ना। मैंने कहा तो चुका दूंगा। जुए में उधार का सवाल नहीं उठता। दे दो इनके रुपए। इस वक्त नहीं। इनका चेन उतार लो। लीजिए, जब ये रुपए दे दें तब ये चीजें ना लौटा दीजिए। जी हाँ, जरूर जरूर, शुक्रिया शुक्रिया। प्यारे लाल, बेईमानों से मुझे सख्त नफरत है।
जाने साहब। ये लीजिए निशान लगे जाली ताज, इसे कुंवर तो क्या उसके फरिश्ते भी नहीं पहचान सकते। शाबाश, अब देखता हूँ कुंवर मेरे पंजे से कैसे बचता है। अजीब बचना क्या, पंजे में लिया है तो बस मरोड़ दीजिए ना। ऐसे ही होगा, तुम इन ताशों से खेल जमाओ और तुम मेरा इशारा पाते ही बस बस समझ गया, आज कुंवर की शान का तख्ता पलट जाएगा और फिर मैं इस होटल का मालिक बनूंगा। और साथ साथ ओ मोहन, हर दा मस्ताना सर से पांव तक छाई हुई, उस तेरी का फिर जवानी जोश कर आई हुई, कभी हमसे भी मोहब्बत। सब तैयारियां हो चुकी, आओ जी तुम जवाब दो। जी हाँ सब तैयारियां हो चुकी। रात के 9 बजे से बांके मल की दुकान। बहुत अच्छा, चलो ठीक है। जाते कहाँ हूँ? क्यों? आज मैं अपनी दिल की लगी सलाह देना तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैंने मेरा कहा मानो तो शादी और मोहब्बत बेवकूफ के लिए छोड़ दो। मगर ये मासूम दिल नहीं मानता जाने में, मुझे भी तसल्ली हो तुम भी सुख चैन से रहो, इसलिए खतरों का खेल खत्म कर दो। खतरों से खेलना मेरे खून की आदत है। तुम्हें डर भी नहीं लगता? डर किसका? कानून का। कानून बुजदिलों को डराता है, मैं किसी से नहीं डरता, किसी को नहीं मानता। ईश्वर को भी नहीं? नहीं, लेकिन किसी एक को मानता हूँ, ईश्वर से भी ज्यादा। किसे? बता दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अपने पिताजी को। ये उनका खत आज ही आया। कभी कभी सोचता हूँ अगर पिताजी को मालूम हो जाए कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ तो मेरे लिए जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। तो क्या तुम उनके लिए भी अपने ये गुनाहों का कारोबार नहीं छोड़ सकते? ये मैं खुद ही नहीं जानता। मैं सुनो, ठीक है मैं अभी तहकीकात के लिए आता हूं।
अमर सिंह चारों तरफ से घेरा डाल दो और एक आदमी भी भागने न पाए। जाओ जी सर। तुम मेरे साथ आओ। भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। ओ वर्मा जी, मैं पिस्तौल के खैरियत तो है। आज देखता हूं तुम कैसे बचते हो। तो गोया आज फिर कहीं चोरी डकैती हुई है और आप हमेशा की तरह रजिस्टरों की खाना पूरी करने के लिए यहाँ तशरीफ ले आए। चुप रहो ना हंजार। घंटे भर पहले तुम लोग ने सेठ बांके मल की दुकान पर डाका डाला है। अब बड़े घर जाने की तैयारी करो। कम ऑन। हम तो जनाब की तानेबाजी सुनने के आदि हैं। नुस्फैन आता है कि कहां था घंटे भर पहले? बोल स्पीक। जी मैं बाथरूम में था। बट बाथरूम? और ये तेरे जीजे कहां था? मुस्तानी के बच्चे बोलता है या नहीं? कहां था ये तेरा सरदार? ये यही थे, इसी रूम में, उस कुर्सी पर। झूठा कहीं का। कम ऑन लीव हिम। वर्मा जी, आप यहाँ कर अपना वक्त जाया करते हैं, साथ ही हमें भी बहुत परेशानी होती है। होटल की इज्जत का सवाल है। बस इज्जत, इज्जत तुम्हारे बाप की भी थी। अर्ज यह है कि आप तलाशी लेने आए हैं, तलाशी लीजिए, गालियां बकने से क्या फायदा। शट अप। थैंक यू। कुंवर, तुम मेरे हाथ से बाल बाल बचते रहे हो, मगर याद रखना, एक दिन ऐसे फंसोगे 15 साल के लिए भेजूंगा। थैंक यू। आप जा रहे हैं? चाय शरबत पानी वगैरह? आप ये हयात। हमारा शो तो कराया होता। तीन दीदी गुस्ताखी माफ करता। आपने 10 साल की उम्र से सीखना शुरू किया है और मैंने 8 साल की उम्र से सिखाना शुरू कर दिया। प्यारे साहब ने ताशों की जादू तो नहीं कर दिया। बस ये आखिरी बार। जैसी आपकी मर्जी। जरूरत, नकली नोट और साथ साथ मुजरिम भी। जल्दी आइए। हजार की चाल। हजार बुलाए।
और लीजिए। ये रहा हिसाब, 11,200। ये 2,000 भी ले लो, बाकी कल दे दूंगा। ये में उधार का सवाल नहीं होता। एक चेक ले लो। कलम कुमार साहब, शुक्रिया। लेकिन ये पोस्टेट है, बहुत दिन में कैश का इंतजाम हो जाएगा। तो जेवर दे दीजिए गुस्ताखी वाम, जैसा तो। कौन सा पुलिस? खबरदार, कदम उठाया तो शूट कर दूंगा। तनाद खड़ी। थैंक यू। तुम लोगों ने पुलिस की मदद जरूर की, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। कुंवर बचकर निकल गया। तो इसमें हमारी क्या गलती है वर्मा साहब? घबराओ नहीं, तुम लोग बयान लिखा कर चले जाना। हेलो, यस स्पीकिंग। क्या कुंवर की गाड़ी खाली? कहां पर? डालीगंज स्टेशन पर। ये तो बड़ा बुरा हुआ प्यारे साहब, कुंवर बच के निकल गया। चलो जी, एक तरह से अच्छा ही हुआ प्यारे साहब, हूं तो बस तुसी भगवान हो। नहीं नहीं, अगर वो गिरफ्तार ना हुआ तो हमारी खैर नहीं। जैसे भी हो उसका पता लगना ही चाहिए। आप क्या घबरा क्यों गए? टिकट कलेक्टर। तबीयत तो ठीक है आपकी? जी हाँ। अरे आपको चोट लगी है? ये कोई खास बात नहीं। अच्छी बात है, आप आराम कीजिए। आपका टिकट? टिकट तो खो गया है, आप मुझे दूसरा बना दीजिए। ओ, कहाँ का टिकट चाहिए आपको? गाड़ी कहाँ जाए? लखनऊ का। लखनऊ? लखनऊ से तो गाड़ी आ रही है। तो मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। अच्छी बात है, आप आराम कीजिए, अगले स्टेशन पर मैं आपसे मिल लूंगा।
कांता दीदी, यही आदमी से धक्का लगवाए ले ना। हाँ ए मिस्टर, जरा सुनो। कहिए। तने धक्का लगाए दो ना। धक्का? जी हाँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ओ इधर टॉर्च जलाइए, इसे पकड़ी पकड़े रही। जलको का तार निकल गया। अच्छा, आप छोड़ दीजिए। हो गया? हाँ स्टार्ट कीजिए। बस बस। हाँ तुम्हें कहाँ जाना है? शहर। तो पीछे आ जाओ, मैं शहर में उतार दूंगी तुम्हें। थैंक यू। नो मेंशन। कांता देवी, आप इस वक्त स्टेशन से सामान लेकर आ रही हूँ, मगर आप यहाँ कैसे? मैं तो स्पेशल ड्यूटी पर हूँ। लखनऊ का एक मशहूर डाकू पुलिस को धोखा देकर भाग निकला है।
लखनऊ का डाकू और आप उसे गिरफ्तार करने के लिए यहाँ खड़े हैं। कोई बात नहीं, लेकिन कांता देवी आप इस मौसम में गाड़ी चला रही हैं, अगर एक्सीडेंट हो गया तो? आप मुझे इतना बेवकूफ समझते हैं? मैं आपको क्या समझता हूँ ये आप मेरे दिल से पूछिए। ड्यूटी पर ऐसी बातें नहीं करते। नमस्ते। नमस्ते, कल फिर मिलूंगा। बरोबर। चलो मैं। पापा आ गई बेटी, बहुत देर लगा दी तूने। हाँ पापा, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी तो। अच्छा, बहुत रात हो गई, चल पहले चल के खाना खा ले। हाँ मम्मी, बहुत भूख लगी है। धीरे धीरे पापा, मैं दुकान जाती हूँ। अच्छा बेटा, दो चार दिन तुम्हें और तकलीफ करनी पड़ेगी बेटा, और उसके बाद ईश्वर ने चाहा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। बराबर बराबर। सेठ तुम चलो, मैं सेठ को चंपी मार के अभी आता हूँ। अरे आपको बाहर से ही चले गए थे, फिर यहाँ ऊपर कैसे आ गए? अरे उसने जगाया नहीं मुझे। किसने नहीं जगाया? आपके नौकर ने। कल रात बारिश हो रही थी, उसने कहा यहीं सो जाओ, मैं भी चला जाता हूँ। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, जरा चोट आ गई थी। देखूं देखूं। अरे तुम्हें तो बुखार है शायद। शायद क्या? ठहरो, मैं अभी डॉक्टर को बुला देती हूँ। नहीं नहीं। क्यों? क्या मैं आपका भरोसा कर सकता हूँ? हाँ हाँ। देखिए, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे देखे या जाने पहचाने। क्यों? मैं पुलिस से फरार हूँ। पुलिस से फरार? फरार जी नहीं, बात यह है, एक औरत की इज्जत बचाने के लिए मैंने गुंडे का सर फोड़ दिया था। ओ, तो ये मोहिनी कौन है? मोहिनी? उसे आप कैसे जानती हैं? सोते सोते आप मोहिनी को प्यारे प्यारे कह रहे थे, मैंने सुन लिया। देखिए, मोहिनी उस लड़की का नाम है जिसे मैंने बचाया, और प्यारेलाल उस गुंडे का नाम है जिसे मैंने मारा।
अब तो आपको मेरा यकीन हुआ? हाँ? तो मैं आज रात तक यहाँ रह सकता हूँ? आपने एक औरत की इज्जत बचाई है तो दूसरी औरत आपकी मदद भी कर सकती है। जब तक आपकी तबीयत ठीक न हो जाए आप यहाँ शौक से रहिए। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। सुनिए जी, मेरे बारे में किसी को पता न लगे। नहीं लगेगा। थैंक यू। मेरा ख्याल है ये जख्म दो एक दिन में ठीक हो जाएगा। मगर ये हुआ कैसे? मैंने कहा ना था, मोहिनी की इज्जत बचाने के झगड़े में। हाँ हाँ हाँ। हम बोलता है मैना माई डियर कि उधर सुहान सेठ और बीबी सेठ का शादी बने और इधर हमेरा तुम्हेरा। ये मुंह और मसूर के दाल चला है मौसे शादी करे। तुम नहीं जानता मैना डियर, मोहब्बत एक दूसरा चीज होता है। धार में जाए तू और तुम्हार मोहब्बत कहीं जरा नहीं तो गॉड। इसमें क्या है, कहाँ जा रही है? मम्मी अंदर बहुत गर्मी हो रही है, मैंने सोचा कि मैं जरा बगीचे में बैठ के खाऊं। अच्छा अजीब लड़की। अब कैसी तबीयत है? दर्द बढ़ता गया जो जो दवा की। यानी अच्छा हूँ, आप इतनी तकलीफ उठाएं तो तबीयत ठीक कैसे ना हो? तकल्लुफ बहुत करते हैं। जी ये तो लखनऊ के पानी का असर है। अच्छा चलिए खाना खाइए, आइए। सोचती हूँ आप अपने घर में होते तो आपकी देखभाल ठीक से होती। इससे ज्यादा देखभाल कौन करता है? ये तो बताइए आपके घर में और कौन कौन? मेरे घर में सभी हैं, माता पिता भाई बहन और कौन? मेरी शादी नहीं हुई। आपकी शादी कब हो रही है? मेरी शादी? हाँ वो दोपहर को तोता मैना बातें कर रहे थे तो वो सोहन से आपकी शादी हो रही है? जी नहीं, उनसे तो मेरी सिर्फ जान पहचान। ओह तो कल रात मोटर में आप किसकी याद का गाना गा रही थी? वो तो यू ही, वो कोई और है। कौन है? कोई है ना, बताइए, मुझे आपसे पूछने का हक भी नहीं। नहीं वो तो मेरा बचपन का साथी है, हमेशा याद आता है। मुबारक हो। मगर जब से गया आया ही नहीं। लगन सच्ची है तो एक दिन जरूर आएगा। मुझे भी यही उम्मीद है। तो बस आप इंतजार किए जाइए, इंतजार का फल मीठा होता है। सुनिए कब आए? यानी मेरा मतलब है कल सुबह तो आएंगे ना? मुस्कुराना शर्माना चले जाना, वो उनका मुस्कुराना शर्माना चले जाना। क्यों बात है जरा सी पर बन गया अफसाना, यूं बात है जरा सी पर बन गया अफसाना। बेखबर थे बेहोश थे गाफिल थे, अब होश जो
आया तो दिल ही हुआ दीवाना, अब होश जो आया तो दिल ही हुआ दीवाना। तू बात है जरा सी घर बन गया अफसाना, यू बात है जरा सी घर बन गया अफसाना। हम जिनके हो चुके हैं वो जाने या न जाने, अपने किए पे हमने सीखा नहीं पछताना, अपने किए पे हमने सीखा नहीं पछताना। यूं बात है जरा सी पर बन गया अफसाना, यूं बात है जरा सी पर बन गया अफसाना। वो उनका मुस्कुराना शर्माना चले जाना, वो उनका मुस्कुराना शर्माना चले जाना। यूं बात है जरा सी पर बन गया अफसाना, यूं बात है जरा सी पर बन गया अफसाना। प्रणाम आई यार। का है? अरे कुदर का कुछ आता है? माता जी चाय का डिब्बा मंगवाएंगे। ये बोलो हम देंगे, तुम काहे को खाली पीने तकलीफ करता है। ये अरे हम तो तुम्हारा बिन पगार का सर्वेंट है। आजकल बातें बहुत बनाओ, तो बीबी जी से कर दो तो तू का नौकरी से हाथ धोका पड़ी। अरे बीबी जी हमको कुछ भी नहीं बोले तो लाला जी से कह भाई। रमी वो आप फिर से जीत गए। क्या करो, हाथ कुछ ऐसा जमा हुआ कि हारना चाहो तो भी ईमानदारी के खेल में हार ही नहीं सकता। तभी तो आज के खेल में मजा नहीं आता। बेईमानी शुरू कर दीजिए। नहीं, आज आप जीत गए कोई परवाह नहीं, कल मैं जीतूंगी। कल? हुँ? कल का क्या भरोसा? क्यों, इतने दिन हो गए, अब मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। नहीं। पुलिस ने पकड़ लिया तो? पुलिस? अरे क्या मतलब? मुझे पुलिस से छुपना चाहिए। मैंने कहा था इसमें मैं हार गई, इसमें जीत गई। कोई आ गया, मैं भी आ गई। शरीर कहीं की? ओ चाचा जी। पहचानती भी नहीं? पहचाना तो। क्या जीती है? आ गए ठाकुर। अम्मा लाला तुम भी अजब के गहनदाल हो। अम्मा मियाँ ने खत का जवाब दिया ना स्टेशन आए। ऐसी की तैसी तुम्हारे खत की, और स्टेशन की क्या कहूँ, चार दिन से बुखार में पड़ा पड़ा नवाज साहब का इंतजार कर रहा हूँ। राजे नहीं आया? हाँ बेटा, राजे को खत भी लिखा, तार भी दिया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया, न जाने क्या बात है। अरे कुछ काम में उलझ गया होगा और क्या, आ जाएगा। मुन्नी जाके अपनी माँ को बोल दे बेटा कि ठाकुर साहब आ गए। अच्छा पापा। लाला राजे की वजह से बहुत चिंता। अम्मा ऐसी भी क्या चिंता है। अरे तोता जाके ठाकुर साहब का सामान उतरवा दे। बरोबर बरोबर। आओ ठाकुर। ठहरो मैं अभी आई।
जिद करूंगी तो आप मानेंगे नहीं, फिर भी पूछती हूँ, एक दिन रुक जाए तो। रुक नहीं सकता कांता, मगर तुम्हारी याद बनकर ये फूल हमेशा मेरे पास रहेगा, और तुम भी मुझे भूल न जाओ, इसलिए ये निशान कौन जाने फिर कब मुलाकात हो। आप कहाँ जा रहे हैं? कानपुर। आपका नाम? राजेंद्र सिंह। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। बंदे। क्यों? आप सलाम हजूर। बंदे तुम यही हो? जी हजूर। आप कहाँ जा रहे हो? लखनऊ। चलिए साहब। राजी, अरे बाबूजी, अरे मेरा राजी, अरे मेरा राजी, मेरा राजी, वो मेरा राजी। अरे कमबख्त, मैंने तुझे कितने खत भेजे, कितने तार भेजे, तूने एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं आज तुझे लखनऊ लेने जा रहा था। बाबूजी मुझे क्या मालूम तुम यहाँ हो, मैं तो बिजनेस के सिलसिले बरेली गया था, वहाँ मेरा सामान चोरी हो गया। अरे जहन्नम में जाए तेरा बिजनेस और भाड़ में जाए तेरा सामान। देखते हो बंसी, अरे इसको मेरी जरा सी भी मोहब्बत नहीं। सरकार जवानी दीवानी होती है। अरे कैसी जवानी, अभी मेरा बस गया है। मगर बाबू जी ये क्यों बनी? कुछ नहीं हो, पहचान नहीं पाया, भूल हो गई। कोई बात नहीं, भूल तो सभी से होती रहती है। आ बंसी आप। आज मैं तुझे घर ले जाकर और रस्सी में पलंग के पास चले। चाय पीते चलो सर। दो सारी चाय थे। भाई वो बड़े मजे की चाय है, मगर गुड़ की है। गुड़ की है ना बेटा। कुछ खबरी लाया हूँ, इनाम दीजिए। मैं क्या जी, इनाम हमें दीजिए जी, पहले मैंने देखा था। बात क्या है? अजी वो कुंवर सीतापुर में है जी। हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा। खामोश, देखो मोहन को पता न चले। बाहर चलो। कुंवर सीतापुर में देखो कौन है। कौन भी है वो पहचानते भी नहीं। ये तो अपना राजे मार रहा है। राजे बेटा, राजे बेटा, उठे तो बेटा, राजे बेटा। क्या? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। पहचानते हो कौन है? ये है लाला जी, तुम्हारे चाचा। करो बेटा नमस्ते। जिंदे रहो बेटा। तो उधर चाची से मिलने दो, और ये है तुम्हारी चाची। नमस्ते। एक जमाना हो गया आपके दर्शन किए, मैं तो पहचान भी ना पाया। तब तुम इतने से थे, अब हो गए बड़े आदमी, अब भला हमें क्यों। ऐसी बात तो नहीं, दरअसल यहाँ कुछ न कहना काम था। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बंसी चाय बना रहा है। इसे पहचाना? जी हाँ। नहीं नहीं पहचाना। और तुमने? नहीं। शाबाश बेटा। अरे भाई तुम दोनों बचपने में झुली छुलैया खेला करते थे। हाँ, ये कांता है, कांता लाला की बेटी। देख रहे हो?
बचपन में तुम इसे मुन्नी कहा करते थे। मुन्नी और ये भी मुझे राजे कहते हैं। राजे। जाते जाते मैंने तुमसे कहा था मैं फिर आऊंगा मुन्नी, सो मैं आ गया, याद है ना? याद है। मैंने सोचा कहीं भूल न गई। भूल कैसे जाती? लो चाय भी आ गई। आओ ठाकुर मैं कुल्ली कर आऊंगा। बैठो भाभी। थैंक यू। ये आपको मिले कहाँ? ये स्टेशन पर। मुझे क्या पता था आप सब लोग यही हैं। पिताजी न देख लेते तो मैं पहुंचता इलाहाबाद और आप जाते लखनऊ। बुजुर्गों ने सच कहा है बेटा कि सब काम संजोग से होता है। लेकिन अब लाला ये यहीं रहेगा, बिजनेस करना है तो यहीं करेगा। मगर इनकी नकेल हाथ में रख ले, बचपन में जो शैतानियां करते थे मुझे अभी तक याद है। क्यों आज ये बिल्कुल बदल गया है। अच्छा मैं चलूं। हाँ जाओ तुम भी जाओ, लाला की दुकान देख जाओ, जाके जाओ बेटा। झूठी बातें सुनने की फुर्सत नहीं है। अरे नहीं, अरे मगर कांता कभी कभी इंसान को मजबूरन झूठ बोलना ही पड़ता है। तो फिर कैफियत देने की क्या जरूरत है? चले जाओ यहाँ से। ये लो अपनी निशान। कांता मैं चाहता हूँ तुम मुझे गलत न समझो। तो तुमने ये क्यों कहा था कि तुम पुलिस से फरार हो? ये सच है कांता, मैं क्रांतिकारी हूँ। मैंने सरकार के खिलाफ बगावत की। अच्छा? ये भेद मैंने कभी किसी ने नहीं बताया। काश मैं तुम्हें पहले पहचान लेता तो झूठ बोलने की नौबत ही नहीं आती। तो पहले ही क्यों ना पहचान? अरे सोहन छुप जा। नमस्ते। नमस्ते। अभी इधर एक आदमी था, किधर गया हो? वो तो ग्राहक था, चला गया। क्यों? यूं ही लखनऊ के डाकू की तलाश है, इसलिए नए आदमियों पर नजर रखनी पड़ती। ओ। सुना है ठाकुर साहब रात को गए नहीं, वापस आ गए? हाँ पिताजी भी उन्हीं के पास गए। आप भी जाइए ना, मिलाइए। मैं तो वहीं जा रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। राजी आजा, तो हम चला गया। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो सजा का डर नहीं, मगर बाबूजी को मुंह ना दिखा सकूंगा। वाह, तुमने कोई पाप थोड़ी किया? ये तो तुम सोचती हो, मगर इसमें परेशान होने की क्या बात है? यूँ तो तुम्हारे लिए छुपने की जगह है। यही तो तसल्ली है कांता। मुन्नी का फोन। Thank you.
लेती और वो माल किन छुप छुप कर क्यों मिलते हैं पल किन वो पर देती और वो माल किन छुप छुप कर क्यों मिलते हैं पल किन नजर नजर से मिलती है जब दिल की कली यूं खिलती है तब एक चाबी से खुल जाता है नौ कमरों का ताला हो दाल में है कुछ काला ओए दाल में है कुछ काला देखो देखो बड़ बड़ घोटाला देखो देखो बड़ बड़ घोटाला हो दाल में है कुछ काला ओए दाल में है कुछ काला आपकी तो चलती रहेगी देखो अब इन दोनों की शादी कर देना चाहिए सुभान अल्लाह ठाकुर मैं तो समझा था कि तुम भूल गए हो भूल हम ऐसी बात कोई भूलता है ऐसी बात भूलने वाले मुर्गी के होते हैं लाला ठाकुर जवाब नहीं बनता मुझे आवाज सुनती हो अच्छा सुन तो रही हूँ मुबारक हो लो इसी बात पर ठाकुर साहब का मुंह मीठा करा दो ना अरे ठाकुर साहब नहीं अब तो ठाकुर साहब नहीं समझी को समझी समझ गई ना समझाऊं
समझे। जादू का दिल में असर है, आधा इधर है तो फिर आधा उधर है, आधा इधर है तो फिर आधा उधर है। उल्फत के जादू का दिल में असर है, आधा इधर है तो फिर आधा उधर है, आधा इधर है तो फिर आधा उधर है। गोरे गोरे चेहरे पे छा गई लाली, देखो छा गई लाली, ऊपर से जुल्फों की ये आ गई जाली, देखो आ गई जाली। शर्माई क्यों तेरी भोली नजर है, शर्माई क्यों तेरी भोली नजर है। उल्फत के जादू का दिल में असर है, आधा इधर है तो फिर आधा उधर है, आधा इधर है तो फिर आधा उधर है। हो तुझ पे मोहब्बत की लहरें लुटा दूं, बन के भंवर में तुम्ही को फंसा लूं, तुम्ही को फंसा लूं, तुझ पे मोहब्बत की लहरें लुटा दूं, बन के भंवर में तुम्ही को फंसा लूं, तुम्ही को फंसा लूं। छोटी सी तू बड़ा भारी जिगर है, छोटी सी तू बड़ा भारी जिगर है। उल्फत के जादू का दिल में असर है, आधा इधर है तो फिर आधा उधर है, आधा इधर है तो फिर आधा उधर है। क्या क्या गुजरती थी हम पे, घबराओ मत घबराओ मत, अब थोड़ी कसर है। उल्फत के जादू का दिल में असर है, आधा इधर है तो फिर आधा उधर है, आधा इधर है तो फिर आधा उधर है। मैंने कहा आधा बस है, आधा तुम? जी हाँ, आपका पुराना खादिम। तुम यहाँ कैसे आए? आपकी मोहब्बत खींच लाई। किस काम से आए हो? वो भी बताऊंगा, मगर ऐसी भी क्या बेरुखी, न बैठने का हुक्म दिया, न जामे शिराजी का जिक्र किया, आखिर मैं आपकी कदमों के जेरे साहब पर मरीज पास आ रहा हूँ। मेरे पास फालतू बातें सुनने की फुर्सत नहीं, जाकर सुनो। अगर मेरे बारे में किसी से कुछ कहा तो मगर असल बात तो रही गई। क्या? मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, आपसे लेने आया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए रुपए नहीं है, जा यहां से। आप पुलिस को धोखा दे सकते हैं, अपने पिताजी को बेवकूफ बना सकते हैं, मगर इस नाचीज का नाम प्यारे लाल, मैं आपसे खैरात लेने नहीं आया। ये चेक पहचान? मगर इस वक्त मेरे पास रुपए हैं ही नहीं, तो मैं दूं कहां से? खैर, इस वक्त ना सही, घंटे भर बाद हाजिर हो जाऊंगा। प्यारेलाल, तुम जानते हो मुझे रुपए पैसे से कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। जब मेरे पास था तुमने जितना मांगा मैंने तुम्हें दिया, मगर अब मैं इस माहौल को छोड़ चुका हूं, मेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है प्यारेलाल, इसलिए मैं चाहता हूं इस हालत में तुम मुझे परेशान न करो। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब भी मेरे पास रुपए होंगे बिना मांगे तुम्हारे पास पहुँचा दूंगा। मैंने वादों पर भरोसा करना छोड़ दिया, मैं अपने रुपए अभी वसूल करके जाऊंगा। आया आपकी समझ में? क्या ये
बाजी कौन है? कोई पिताजी, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे बिजनेस के भागीदार। नमस्ते। मगर भैया ये कुश्तम कुश्ता कैसे? इनकी तो आदत है चाचा जी, जब कभी मिलते हैं गर्दन तोड़ बुखार बनकर मोहब्बत जाहिर करने लगते हैं। चेक का मामला आपके पिताजी से कह दूं? इनसे कब? भाई बड़े दिलचस्प आदमी मालूम होते हो। राजे तुम इनको खाना वाना खिलाओ, मैं लाला के साथ एक शतरंज की बाजी खेल के अभी आता हूँ। अच्छी बात। इस वक्त तुमने पिताजी की मौजूदगी का खूब नाजायज फायदा उठाया, मगर याद रखो किसी दिन तुम्हें अपनी इस चालबाजी का पूरा पूरा अंजाम भुगतना होगा। मगर इस वक्त तो आपको मेरे हिसाब का भुगतान करना है मेरे आका। अच्छा जाओ यार। और आपका वादा, कहीं से भी इंतजाम कीजिए, आज रात 1 बजे की गाड़ी से मैं लखनऊ वापिस जा रहा हूँ। मैं रात के 12 बजे मिलूंगा स्टेशन पर। शुक्रिया, भूलिएगा नहीं, वरना मजबूरन मुझे आपके पिताजी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। प्यारे लाल, इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ, 12 बजे स्टेशन पर आपका इंतजार करूंगा। आदाब। आप मुझे एक साहब का पता बता सकती हैं? कौन साहब? उनका नाम है कुंवर। पूरा नाम क्या है? सब लोग उन्हें इसी नाम से जानते हैं। यहाँ तो गली गली में कुंवर लोग रहते हैं। ओ तो देखिए ये है उनका। ये आप इन्हें कैसे जानती हैं? तो कोई पूछने की बात है, ये आपके रिश्तेदार हैं, यही समझ लीजिए। आपके दोस्त हैं, शायद आप इनका पता बताना नहीं चाहते। तोता, इन्हें ठाकुर साहब के घर पहुंचा दो। बरोबर बरोबर। आपका नाम क्या है? मोहिनी। राजा बेटे खुश हो जाओ, तुम्हारी शादी की बात पक्की कर आया। हाँ, ये किस सोच में खड़े भी हो? कुछ नहीं बाबूजी। हेलो कुंवर। मोहिनी तुम यहाँ? एकाएक ताज्जुब में क्यों आ गए? नहीं, ये मेरे पिताजी। हेलो डैडी। नमस्ते। नमस्ते। राजे बेटे क्या तुम्हारे बिजनेस में ये भी हिस्सेदार है? नहीं बाबूजी, ये मेरे एक दोस्त की बहन है। ओह, दोस्त की बहन है, बहुत दिन से देखा नहीं इसलिए मिलने चली आई, ठीक है ना? जी हाँ। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। कुमार, तुमने तो कभी एक खत भी नहीं भेजा, क्या लखनऊ से तुम्हारा दिल एकदम उतर गया? नहीं, अब मैं यहीं रहूंगा मोहिनी, बाबूजी भी यही कहते हैं। ओह, तुम्हारा कमरा किधर? कमरा? परेशान क्यों होते हो? ऐसे ही है तो कल सुबह चली जाऊंगी। ये तो ठीक है, मगर मगर मेरी क्या सूरत देख रहे हो? जब आई गई है तो ऊपर वाले सोने के कमरे में जाके ठहरा दो। शुक्रिया डैडी। चलो कुमार। बड़े बेवफा हो जाने मन, यूं बात करते हो जैसे मुझे जानते हो। तुम्हें आराम करो, मैं कान से बाहर जा रहा हूं। 5 मिनट भी अकेले में मेरे पास नहीं ठहर सकते। इस वक्त मैं बातें करने के मूड में नहीं मोहिनी। क्यों? यूं ही मैं नौकर को भेज देता हूँ, जो कुछ चाहो उसे बता देना, मैं कल सुबह तुमसे मिलूंगा। रात को नहीं? शायद इतने नजदीक होने पर भी तुमसे इतने दूर रहकर मुझे नींद कैसी आएगी? बड़ी अजीब हो तुम। जैसी हूँ तुम्हारी। फिर वही पत्थर आखिर पत्थर ही होता है।
मोहिनी। अरे तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? कितने? कोई 10,000। 10,000? इतने तो नहीं है अभी। वैसे तुम्हारे लिए जान हाजिर है, तो ये जेवर ले लो। जेवर? रहने दो मोहिनी, मैंने तो यही कहा था। अच्छा मैं जाता हूँ। मोहिनी, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं फिर कभी तुम्हें लेकिन चुपचाप सो जा। जेवर? जेवर कहा? ये चोर, चोर कहां गया? कहां गया? कहां गया? है तो बदमाश। बदमाश चोटी, बताओ कौन था जिसे तुमने जेवर चुरा कर दिए? बता वरना इस पिस्तौल से तुझे मार डालूंगा। मार दीजिए। वो कौन था? ये मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? जब पुलिस के हंटर पड़ेंगे तो तेरा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैं पहले ही जानता था तू कैसी औरत है। रामखोर, बदमाश, चल घर। राजे बंसी, एक गाड़ी भी छोड़ने पर अभी तक तुम्हारा आया जी। मैं क्या रिपोर्ट लिखा दो थाने में उस साले की? वो आ गया। आदाब इंस्पेक्टर साहब। डरिए नहीं, हम ही हम हैं। ये लो, रुपयों का इंतजाम हो नहीं सका इसलिए अपनी माँ की जेवर चुराकर तुम्हारा कर्ज अदा कर रहा हूँ। कोई गल नहीं जी, मैं क्या तुसी ते भगवान हो तो सिगरेट पी साहब। है तो असली, शुक्रिया। इस जेवर मेरे खानदान की इज्जत है, इन्हें चुरा कर मैंने बहुत बड़ा पाप किया। लेकिन भूलना नहीं प्यारे लाल, एक दिन रुपए देकर मैंने वापस लेने आऊंगा, समझे? क्यों नहीं, किसी तो भगवान हो कुंवर साहब। मारो साले को। कम से कम 15,000-20,000 का माल हाथ लगा, आपने फिर तख्ता पलट दिया। राजे बेटे, तुम कहाँ गए थे? चोर की तलाश में गया था। कुछ पता चला? अरे क्या पता चलेगा, वो लड़की ने जेवर चुरा कर किसी को दे दिए। नहीं बाबूजी, मेरा ख्याल है। तुम्हारा ख्याल? मैं कहता हूँ कि सोन उस लड़की को लेके थाने गया है। ठाकुर, थाने में वो लड़की जरूर कबूल करेगी। राजे बेटा, इन्हें अंदर ले जाओ, ये बहुत परेशान है। चलिए बाबू। अच्छा ठाकुर, मैं सवेरे मिलूंगा। बेटा, तुम्हारी मां मरते वक्त मुझसे कह गई थी कि ये सेवक और राजे के बहू को देना। अब जबकि तुम्हारी शादी ठहर गई है तो जेवर चोरी हो गए, ये बहुत बड़ा अपशकुन हुआ। मैं क्या करूं, कहां से लाऊं वो गहने? बाबूजी, वो गहने तुम्हें इतने प्यारे थे। बेटा, वो गहने मेरी जिंदगी थे, उन गहनों के रूप में तुम्हारी मां मेरे साथ थी। अब मैं वो गहने कहां से लाऊं?
लेकिन राजेंद्र बाबू, जब तक असली चोर का पता न लगे हम उसे कैसे रिहा कर सकते हैं? मगर मैं जानता हूं वो बेकसूर है। ये तो अदालत के फैसले के बाद ही कहा जा सकता है ना? सर, लेकिन एक बार मुझे उससे मिलने की इजाजत तो देंगे? हाँ हाँ, मिल लीजिए, शायद आपको ही कुछ बता दे। थैंक यू। दीपू, साहब को ले जाओ। मुझे अफसोस है मोहिनी, लेकिन मैं तुम्हें किसी तरह भी रिहा कराने की कोशिश करूंगा। मगर तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे प्यारेलाल का कर्जा चुकाना था। प्यारेलाल का कर्जा? हाँ, अगर न चुकाता तो बाबूजी से कह देता, पुलिस को खबर कर देता। काश मैं तुम्हें पहले ही बता देती। क्या? उसने चालबाजी से तुम्हें जुर्म में हराया था, उसी ने पुलिस को खबर करके तुम्हें गिरफ्तार कराने की कोशिश की थी। बस इसी बात पर एक बाजी हो जाए। आओ। क्यों भागे जी? अच्छा, आ जाओ, आओ। चलो बात। उमर, मैं अपने जेवर वापस लेने आया हूं। शौक से ले जाइए, लेकिन मेरे रुपए? प्यारेलाल, मैं तुमसे झगड़ा बहस करने नहीं आया हूं, लेकिन यह बता देना चाहता हूं कि तुम लोगों की नमक हरामी और गद्दारी का मुझे अच्छी तरह पता लग चुका है। तो फिर? खैरियत इसमें कि मेरे गहने मुझे वापस कर दो, वरना? वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। खून करने की क्या जरूरत है? ये रहे आपके जेवर, ले जाइए। वहीं रख दो। थैंक यू।
क्या पिताजी को मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो गया? अभी तक नहीं। तो आप उनसे कुछ कहिएगा भी, वरना ये सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं कहूंगा। और ये जेवर आप? इसकी आप चिंता न करें, ये सुबह तक उनके पास पहुंच जाएंगे। शुक्रिया। सोहन, आप राजे कहाँ हैं? जवाब दो। समझ गया, समझ गया। एक बार से देखना चाहता हूं। बहुत अच्छा। राजन बाबू, आप जरा मेरे साथ ऑफिस से चलिए। बाबूजी से कुछ कहा तो नहीं? बाबूजी तुम यहाँ? मैं आ ना सका, उस लड़की के चक्कर में बड़ी मुश्किल से चोर को पकड़ा। ये देखो बाबूजी, सोहन ने मुझे रोक लिया, बयान लिखाना था ना, अभी लिखा नहीं। खैर गहने मिल गए हैं, अब तो खुश हो बाबूजी? राजे, राजे, ये तुमने क्या किया बेटा? ये तूने क्या किया? बाबूजी, मुझे मालूम था जिस दिन तुम असलियत जानोगे तुम्हें बहुत सदमा होगा। सदमा? राजे बेटा, मैंने तेरी हर्जत को पूरा किया, फिर क्या वजह है? कौन सी ऐसी चीज थी जिसने तुझे इस जुर्म पर आमादा किया? गलतियां सबसे होती हैं बाबूजी, किसी से छोटी किसी से बड़ी। लेकिन ये गलती नहीं, ये तो संगीन जुर्म है, और इस जुर्म के लिए तुझे अपनी सारी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। हरगिज नहीं, जेल में जिंदगी बिताने से खुली हवा में खुदकुशी कर लेना कहीं बेहतर है। बुजदिल बाबूजी, राजे बेटा, तुम नहीं जानती, तुम नहीं जानते कि मैंने कैसे नाजों से तुम्हें पाला है। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मेरा बेटा जवान होकर अपने बूढ़े बाप की गिरती हुई दीवार का सहारा बनेगा, लेकिन मेरी आशाओं के वो सब सपने झूठे साबित हुए। राजे बेटा, राजे, ठाकुर साहब वो भाग गया। हाँ ठाकुर साहब, मगर ये गजब हो गया, आखिर अब मैं क्या करूं? तुम अपना फर्ज पूरा करो। ठाकुर साहब,
ठाकुर साहब। कांता, तुम यहाँ? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। मैं मोहिनी नहीं। मोहिनी? हाँ, जिसे समाज के डर से पत्नी नहीं बना सके, उसे दोस्त कहकर बर्बाद किया, और मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती, इसलिए शादी करके मुझे दासी बनाना चाहते हो? कांता, तुमने मुझे हमेशा धोखा दिया, तुमने मेरे प्रेम का अपमान किया, तुमने अपने पिता की ममता ठुकराई और अपने आप को। कांता, कांता, यकीन करो मैं तुम्हारे बाबूजी के सामने हमेशा ईमानदार रहा हूँ। इसी ख्याल से कानून तोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम अपने और मेरे प्रेम की इज्जत करके मेरे साथ चलोगी। अब तुम किस मुंह से प्रेम की इज्जत का दावा करते हो? कांता, तुम मेरी थी, मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। ऐसी बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं अपनी हर गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, मगर अपनी एक गलती के लिए मुझे नाज है, और वो गलती है मेरी तुमसे मोहब्बत। मैं थक गया हूँ कांता, भटकते हुए अरमान तुम्हारी मोहब्बत के दामन का सहारा चाहते हैं। कांता, तुम यहाँ से चले जाओ यहाँ से। और तुम? समझ लो मैं तुम्हारे लिए मर गई। नहीं, मेरी जिंदगी में तुम हमेशा जिंदा रहोगी, और किसी दिन तुम्हारी राजी नाराजी की परवाह किए बगैर मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूंगा, मेरी बात भूलना नहीं। जा सकते हो। मोहनी, पुलिस की मदद करना हर आदमी का फर्ज है। जी हाँ, मुझे मालूम। तो तुम कुंवर का पता क्यों नहीं बताती? मकान की तलाशी ली, फिर भी आपको मेरा यकीन नहीं आता। यकीन कैसे आए, जब वो यहाँ आया नहीं तो गया कहाँ? क्यों, वो अपने पिता के पास नहीं जा सकते? पिता के पास? उस बेचारे को तो फंसा के भागा है। पिता को फंसा के भागा? जनाब, देखो मोहनी, अगर कुंवर का पता ना लगा तो जेल में उस बूढ़े पर जो जो सख्तियां होंगी उनका जिक्र ना करना ही बेहतर है, समझी? बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी वजह से पिताजी पर इतनी सख्तियां हो। मैं सीतापुर जाऊंगा। तुम पकड़े गए तो देखा जाए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। जाने क्यों सब गलत हो जाता।
बहुत परेशान हूँ। हाँ। फिर भी जाने नहीं दूंगी। बाबूजी का ख्याल मुझे पागल बना दे रहा है मोहिनी, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। इंसान तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है। मैंने बहुत चाहा कि तू मेरे घर की बहू रानी बने। रो नहीं बेटा, रो नहीं बेटा, ईश्वर को यही मंजूर था। इसमें राजे का कोई दोष नहीं, इसमें मेरी अंधी मोहब्बत और लाड और प्यार का नतीजा है। खैर लाला, इन दोनों को आशीर्वाद दो ठाकुर। सोहन, मुझे उम्मीद है कि कांता तुम्हारे साथ हमेशा सुख से रहे। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ। जाओ बेटा, जाओ। आइए कहिए। मैं ठाकुर नरेंद्र सिंह से मिलना चाहता हूँ। आपका नाम? मैं डॉक्टर जाफरी, मैं इलाहाबाद से आया हूँ। आपने एप्लीकेशन भेजी? जी हाँ जी हाँ, ये मुलाकात की मंजूरी का खत। दस्तखत कीजिए। चलिए ठाकुर साहब, आपसे कोई डॉक्टर जाफरी मिलने आए। डॉक्टर जाफरी आइए। डॉक्टर साहब जी, जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर जाफरी। आधा बस मैं सिर्फ आपसे ये दरियाफ्त करने आया हूँ कि इन लोगों के वजह से, माफ कीजिए, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? जी नहीं। क्यों? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। जी नहीं। गुज़िश्ता जिंदगी में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मगर अफसोस मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपके किसी काम आ सकूं। आपने मेरी भलाई के लिए जो कुछ किया वो शायद आप सिर्फ अपने अपने बेटे के लिए किया होगा। बेटा? मेरा बेटा? बेटा, मिस्टर जाफरी जरा इधर आइए। कहिए। पिताजी से मिलिए। कौन था? ठीक चलिए, लेकिन कही पुराने इल्तजा फिर दोहराता हूँ, बाबूजी को कुछ बताना चाहिए। अच्छी बात, ऐसा ही हो।
राजेंद्र बाबू ठाकुर साहब रिहा कर दी गए। शुक्रिया, मगर आपने उनसे मेरे बारे में कुछ कुछ नहीं कहा। उन्होंने आपसे रिहाई के बारे में पूछा, मैंने कहा गवर्नमेंट ने आपकी बेइज्जती का ख्याल करते हुए आपको छोड़ दिया। आपने अच्छा किया। हाँ देखिए, कल आप लखनऊ जेल भेज दिए जाएंगे, वहीं पर आपके मुकदमे का फैसला होगा। थैंक यू, तो वही आपसे मुलाकात होगी। सरकारी गवाह के हिस्से से आप भी तो लखनऊ जाएंगे। जी कैसे जा सकते, आज ही रात को तो इनकी शादी हो रही है कांता देवी के साथ। ना। कांता के साथ आपकी शादी? हाँ राजेंद्र बाबू, मेरी शादी आज ही कांता के साथ हो रही है। शोभन क्या बात है, राजेंद्र बाबू अब बचपना करने से क्या फायदा। आओ बेटी आओ। तबियत खराब हो गई, जेलर साहब को बुला। बहुत अच्छा। क्यों मिस्टर, क्या तकलीफ है? पतले में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, जरा डॉक्टर को बुला दीजिए। डॉक्टर? डॉक्टर बुला दीजिए। लो पानी पी लो। घबराओ नहीं, डॉक्टर आता ही होगा।
के ब्रह्मानंद पदारी सुबिया श्री जगदम्बे जैसे धराधर कुमारी सौभाग्य सुख सुंदर महामाय ज्ञान तथा काल महाय पद्म ने गुण तथा सार के गुण का आपको हम मुझे के लिए आदि के ज्ञान को महामाय सुंदर सुंदर के साथ के नीचे के पाले के आपको ये तो सौभाग्य को उनसे नजर मिलेगी दिल की कली खिलेगी। क्या फिर क्या होगा ये तो वही बताइए। बेवफा औरत, तुमने समझा होगा मेरी जिंदगी कैद में गुजरेगी। मैं तुम्हारी बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी? मार डालो मुझे राजी, मार डालो। कितनी मासूम हो, मगर मौत के हाथों साफ कर मैं तुम्हें छुटकारा नहीं दे सकता। तुम मेरे लिए जिंदा रहोगी, समझी? राजे, तूने क्या किया बेटा? बेटा, अगर मेरा बेटा ये हरकत करता तो दुनिया को मुंह दिखाने से पहले या तो उसका गला घोट देता या खुद मर जाता। और क्या? जाओ यहां से, तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? अरे हम क्या तमाशा देखें, अपना घर फूंक के तमाशा देखो तुम दोनों। चुप रहो, निकल जाओ यहां से। तुम क्यों चुप खड़े हो ठाकुर? ठाकुर बोलो, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कहां जाऊं? ठाकुर बोलो, जवाब दो, जवाब दो। अरे तुम क्या जवाब दोगे ठाकुर, तुम खुद ही चोट खाए हुए हो। तुम्हारे बेटे ने तुम्ही को कौन सा सुख दिया था? पैदा होते ही उसने अपनी मां को हड़प लिया, बड़ा हुआ तो तुम्हारे लाड प्यार ने उसे चोर डाकू बनाया, उसकी खातिर तुम जेल गए, अपनी इज्जत को धूल में मिलते हुए देखा। लेकिन ठाकुर मैंने उसका क्या बिगाड़ा था कि उसने मेरी इज्जत को भी मिट्टी में मिला दिया। इज्जत, मेरी इज्जत, 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 इज्जत। लाला, आज अगर ठकुराइन जिंदा हो। नहीं नहीं, उस बिचारी का नाम ले लो, मेरी स्वर्गवासी राधा का नाम लेकर मेरे जख्मों को हरा न करो। लाला, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं, जो सजा देना चाहते हो मुझे दो, मुझे सजा दो लाला। मैं कुछ नहीं जानता ठाकुर, कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, मैं अपनी बेटी तुमसे लूंगा, मैं अपनी बेटी तुमसे लूंगा ठाकुर, मैं अपनी बेटी तुमसे लूंगा। अच्छा होता कि जो तू पैदा ही न होता।
पक्का यकीन है कि कुंवर उस लड़की को लेकर लखनऊ आया है? जी हाँ। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। हेलो, कोतवाली प्लीज। तुम मुझे कहाँ ले आए हो? दुनिया से दूर, अपने पास। राजी, मुझे छोड़ छोड़ दो, मुझे राजी जाने दो, मुझे राजी जाने दो। राजी, जान की बाजी लगा के तुम्हें लाया, अब नहीं जाने दूंगा। राजी, राजी, आंसुओं से मुझे कोई हमदर्दी नहीं। क्या तुम मुझे जबरदस्ती हासिल करना चाहते हो? मोहब्बत में जबरदस्ती का सवाल नहीं होता। क्या पागल हो गए हो? हाँ। राजी, अब मैं किसी और की पत्नी हूँ। राजी, अब मैं तुम्हारी बहन के बराबर हूँ। मैं अपने माँ बाप का अकेला बेटा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं, सुना? राजी, तुम्हें मेरे माता पिता पर भी दया नहीं आती? नहीं, जवान लड़की पर माँ बाप का हक नहीं होता। मैं हाथ जोड़ती हूँ राजी, मुझे दुनिया में मुंह दिखाने लायक रहने दो। मैं क्या करूँ, अपने आप को कानून के हवाले कर दूँ, फांसी पर चढ़ जाऊँ, और तुम ऐश करो। तेरा दूसरा नाम तगा और फरेब है, मगर याद रखना कांता, मेरी जिंदगी के साथ ही तुम्हारी जिंदगी, मरने से पहले तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? तुम मुझे मार क्यों नहीं डालते? मैं तुम्हारे पैरों पर हूँ राजी, तुम मुझे मार डालो, मार डालो मुझे राजी, मार डालो, मार डालो मुझे राजी। मेरी कसम खाओ कांता, और जवाब दो, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं? राजी, कहो सच कहो, बोलो कांता। मुझे यकीन था कांता कि तुम मुझे। ये कौन है? मैं पूछती हूँ ये कौन है? मेरी जिंदगी। नहीं, ये मेरे कोई नहीं, इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं। मोहिनी, इस वक्त तुम यहाँ से चली जाओ। मैं जाओ? हाजिर हूँ, इसे निकालो, इसे निकालो। मोहिनी, तुम्हें मेरे निजी मामले में दखल देने का कोई हक नहीं। तुम भी मेरी मोहब्बत का खून करके किसी घर को हासिल नहीं कर सकते। तुमसे मेरी मोहब्बत कभी नहीं रही। कल तक मैं तुम्हारे दिल की रानी थी, और आज कैसे? मोहिनी, चली जाओ यहाँ से। जाती हूँ, लेकिन तुम्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगी। पुलिस स्टेशन प्लीज। हेलो हेलो, मैं मोहिनी हूँ, कुंवर यहाँ मौजूद है, अब जल्दी आइए। कुंवर वहाँ मौजूद है? हेलो हेलो हेलो, बोली क्या बात है? माथुर, चलो जल्दी चलो, आप भी चलिए सोनवा। दगाबाज, खून हत्यारे मुस्लिम, तुमने उसे मार डाला? उसने पुलिस को खबर कर दी कांता, पुलिस यहां आ रही है, चलो जल्दी यहां से निकल चले। खबरदार, मेरे पास ना आना, वरना मैं अपने आप को गोली मार लूंगी। कांता, मैंने सोचा था कि लाखों गुनाह करने के बाद भी तुम में थोड़ी सी इंसानियत होगी, मगर तुम शैतान से भी पत्थर निकले। कांता, अगर तुम्हारे सर पर ऐसा ही खून सवार था तो आत्मघात क्यों नहीं कर लिया, जो तुम्हारे पापों का तो खात्मा हो जाता। कांता, ये बहस करने का वक्त नहीं, पुलिस आते होगी, जल्दी चलो। तुम्हारे साथ आऊं? तुम जैसे चोर, डाकू और खूनी के हाथों बर्बाद होने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। ये तुम कह रही हो? कांता, मैंने जो कुछ किया तुम्हें हासिल करने के लिए किया है। मुझे हासिल करने के लिए? राजी, तुमने सोचा होगा कि तुम अपनी हैवानियत और पागलपन के जोर में जो चाहोगे करोगे, जो चाहोगे पाओगे, मगर तुम्हें मालूम नहीं था कि दुनिया में बुरे का अंजाम हमेशा बुरा होता है, समझे?
समझा, लेकिन किए पर पछताना और गलती के लिए माफी मांगना मेरे उसूल के खिलाफ है। फिर भी आज पहली बार तुम्हारे सामने मैं। राजी, इसी जमाने में तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो प्यार था, उस प्यार के नाम पर मैं इतना कहती हूं कि पुलिस आने से पहले तुम यहां से भाग जाओ राजी। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया शायद सब गलत किया, मैं हार गया। गोली मत चलाना, तुम यहां से चली जाओ कांता। मगर थोड़ी देर के लिए आई हुई इंसानियत को फिर से गमा बैठो, इससे पहले तुम यहां से चले जाओ कांता। जाओ कांता, कांता। वो खैरियत से है? उसे बाहर भेजो वरना हम गोली चलाएंगे। वो आ रही है। लड़के को भून के रख देता। राजी, ये तुम क्या कर रहे हो? देखती जाओ क्या कर रहा हूं। ये इंस्पेक्टर वर्मा के लिए और ये तुम्हारे पतिदेव सोहन के लिए। सोहन मेरी मोहब्बत के रास्ते की रुकावट।
कोई जवाब नहीं, शायद वो घायल हो गया। चलो ऐसा नहीं मानेगा, गैर कैसे है को? बहुत अच्छा सर। अगर अब भी बाहर ना आए तो हम फिर से गैस फेंकेंगे। हेलो, हम आ रहे हैं। चलो खाना। मैं तुम्हें आगाह किए देता हूं, कांता को छोड़ दो। नहीं तो। दो झूठ निकल इस तरह। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, हट जाओ मेरे सामने से, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। बाबूजी, ठाकुर साहब वहां ना जाइए, आगे मत बढ़ो बाबूजी। कांता को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। मैं कहता हूं कि कांता को छोड़ दे। मेरे रास्ते में ना आओ बाबूजी, चले जाओ यहां से। राजी, चले जाओ। मैं कहता हूं चले जाओ। राजी, ठाकुर साहब वो पागल हो रहा, आगे ना बढ़िए। बाबूजी आगे बढ़े तो तुम्हें मार डालूंगा। मार डाल, मार डाल, लेकिन कांता को छोड़ दे। तुम्हारी यही इज्जत है तो यही सही, मगर तुम्हें कांता नहीं, कांता की लाश मिलेगी। चाचा जी आपने ये क्या किया? बाबूजी इसमें गोली नहीं है, मैं तो तुम्हें डरा रहा था। पुलिस, ठाकुर साहब।
रुके बेटा, रुके बेटा। बाबूजी बेटा, मेरे गुनाहों की यही सजा थी बाबूजी, मुझे माफ कर देना बाबूजी। बेटा राजे, बेटा राजे, राजे बेटा, बेटा शेष हो गया बेटी का प्रेम उसी से हुआ और आंसुओं पर खत्म हो। गुनाहों का नतीजा हमेशा तबाही होता है और इस तबाही से समाज और कानून की हिफाजत के लिए हम पुलिस वाले हमेशा जान हथेली पर रख के खतरों से टक्करें लेते हैं और हम जानते हैं कि कानूनी और सामाजिक फर्ज की अदायगी में मौका पड़े तो हमें हंसते हंसते मौत को भी गले लगा लेना चाहिए। लेकिन पेंशन याफ्ता और बुजुर्ग ठाकुर नरेंद्र सिंह, जिन्होंने दया ममता भूलकर इंसानियत और इंसाफ के लिए बुढ़ापे के सहारे अपने इकलौते बेटे की जो कुर्बानी की है, वो कुर्बानी दुनिया के सामने एक शानदार मिसाल पेश करती है। सरकार को ठाकुर साहब के साथ हमदर्दी है। उनकी बहादुरी, हिम्मत और वफादारी के सिले में उनकी इज्जत अफजाई के लिए सरकार की तरफ से उन्हें सोने का ये तमगा अता फरमाया जाता है।